स्क्रीन वाला पर वेलकम, मैं हूं रौनक। दोस्त जमाना बदल चुका है। हेलो, पहले हम एप्पल खाते थे, अब एप्पल की ईएमआई हमें खा रही है। पहले यूथ स्कूल कॉलेज में नंबर मांगा करते थे, आज यूथ सीधे लिंक मांगता है। भाई मुझे माफ कर दो। पहले लोग पैसे देकर नाच देखने जाया करते थे, आज इंस्टा की रील्स पर वो खुद नाच देख रहे हैं फ्री में। क्या साबित करना चाहता है तू? पहले हम पड़ोसियों की मार पिटाई फ्री में एंजॉय करते थे, आज वही काम हम पैसे देकर बिग बॉस में देख रहे। नहीं रुक जा। हम पिकनिक पर चिड़ियाघर जाया करते थे, लेकिन ये आदमी जो स्क्रीन पर है ये थिएटर को ही चिड़ियाघर बना रहा है। तन्नारे ताने ताने तन्नारे ताने ताने। केजीएफ में यश को मॉन्स्टर बना डाला, सालार में प्रभास को डायनासोर, और अब जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म बना रहे हैं, उनको ड्रैगन बना रहे हैं। मैं पूछता हूँ सर, देश के सारे चिड़ियाघर बंद कराने का इरादा है क्या? क्योंकि आपका कंपटीशन तो उनसे ही चल रहा है। नौ अगस्त को इसकी पूजा सेरेमनी है, 15 देशों में शूट होने वाली इस फिल्म को प्रशांत नील सालार 2 के तुरंत बाद शुरू करेंगे। इस फिल्म के नाम को लेकर एक बहुत छोटी इंटरेस्टिंग कहानी है। पंचायत के विनोद भाई ने कहा था कि बड़े लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। 12 लोग के साथ ही बात तो है, इन लोगों को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। लेकिन करण जौहर के एक गुडविल जेस्चर ने विनोद भाई को गलत साबित कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रैगन के इस टाइटल को ब्रह्मास्त्र के लिए करण जौहर ने ले लिया था। वो इस फिल्म में जूनियर एनटीआर को एस देव कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जूनियर एनटीआर की कमिटमेंट्स की वजह से वो फर्स्ट पार्ट में ये वाला रोल नहीं कर पाए। तब तक अपने प्रशांत नील ने इसी नाम को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में ले रखा था। हिंदी में पेंच फंस गया तो करण जौहर ने सॉल्व कर दिया। एज अ गुडविल जेस्चर बिना पैसे लिए उन्होंने ये नाम जूनियर एनटीआर के लिए छोड़ दिया, वो भी तब जब जूनियर एनटीआर ने उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भी नहीं करी थी। यही वो जौहर है जो करण को इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में से एक बनाता है। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो बॉलीवुड स्टार्स को थोड़ी और टेंशन दे सकता है। अब देखो भाई, कई लोग ऐसा कहते हैं कि साउथ की इंडस्ट्री का कुछ ज्यादा ही महिमा मंडन किया जाता है। कई लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं भैया साउथ की इडली इतनी ही पसंद आ रही है तो अपना नाम रौनक रेड्डी क्यों नहीं रख लेते वे? लेकिन दोस्त, बॉलीवुड खुद इन एक्टर्स के पोटेंशियल को समझ रहा है, तभी तो साउथ के एक्टर्स को अपनी फिल्म में कास्ट करने की रेस शुरू हुई है। हर इंडस्ट्री रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखकर ही डिसीजन लेती है, बॉलीवुड भी उन्हीं में से एक है। जिसे ये साफ दिख रहा है कि साउथ के एक्टर्स इस मामले में सबसे सक्सेसफुल है। प्रभास ने तो ऑलरेडी अपनी फिल्मों से इंडिया में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन अब जूनियर एनटीआर भी उस लिस्ट में आगे भागे जा रहे हैं। वॉर 2 में वो ऋतिक के ऑपोजिट कास्ट किए जा चुके हैं, करण जौहर ने खुद ब्रह्मास्त्र के लिए उन्हें अप्रोच किया ही था। ड्रैगन में वो लीड है ही, और उनकी देवरा पार्ट 1 पैन इंडिया लेवल पर भी आने वाली है। ऐसे में ये कोलैबोरेशंस कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की यंग स्टार्स को थोड़ा सा इनसिक्योर तो करती ही है। कई लोग इस कंपटीशन को ये मान लेते हैं कि हम बॉलीवुड को हेट करते हैं। दोस्त ऐसा नहीं है, लेकिन उधर से मौके इतने दिए जाते हैं जो नेगेटिव इमेज बना देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हाल ही में आया जब आमिर खान ने विजय सेतुपति की महाराजा मूवी के रीमेक राइट्स खरीद लिए, वो इसमें लीड रोल भी प्ले करेंगे। ये तब है जब रीमेक मूवीज को पब्लिक उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। दृश्यम 2 के अलावा और कोई रीमेक मूवी तो मुझे याद भी नहीं आ रही जो सक्सेसफुल हाल के दौर में हुई हो। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो आम जनता में यही मैसेज जाता है कि साउथ वाले कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बॉलीवुड उनको कॉपी कर रहा है, और अब तो उनको सीधे साउथ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स पैन इंडिया मूवीज निकाल कर टक्कर दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को हाल की हिंदी मूवीज उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाई जैसा कल्कि में एक साउथ के डायरेक्टर ने कर दिया। ये सारी बातें अनफॉर्चुनेटली हिंदी मूवीज के अगेंस्ट जा रही है, इतना कि खुद ओरिजिनल मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर्स भी जब हिंदी में अपने ही कॉन्टेंट को दोबारा लाते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाते हैं। चाहे तो विक्रम वेदा हो या अभी रिलीज हुई सरफिरा, भाई पिछले हफ्ते की आई मूवी को ही देख लो, कंबाइन उसका आधा भी नहीं कमा पाई जितना डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमा लिया। तो सवाल ये है कि बॉलीवुड को क्या वो वेकअप कॉल मिल चुका है जिसका हिंदी मूवी फैंस को इंतजार था? क्योंकि जिस हिसाब से साउथ के साथ इनका कोलैबोरेशन चल रहा है वो सक्सेसफुल फॉर्मूला इसी में से निकालने की कोशिश है। हम खुद चाहते हैं कि हिंदी फिल्म सक्सेसफुल हो, लेकिन हमको वो मौका कम ही मिल रहा है। आप जो भी सोचते हो इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला, कल मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।